अरे तो गैस खाना नहीं बनेगा, उसके बाद कल पूजा करूंगी ना, यही कहना चाह रहे हो यहाँ पे सास्ती बनाऊंगी, आता है सास्ती बनाना। तो आज हम पूजा करा रहे हैं बेटे जी से, और बेटे जी से पूजा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पितृ जो श्राद्ध वाला चल रहा है ना, इसकी वजह से हम पूजा कर नहीं रहे हैं। तो हम करो पहले पानी से स्वास्थ्य बना लो, तभी वो चढ़ेगा उसके ऊपर, फिर वो रहेगा रोली। किसने मिला रोली से बना सिंदूर को? बेटा सिंदूर रहेगा ना, बिकॉज वो चूल्हा पूजन है तो सिंदूर से ही तो होगा ना। मम्मी सिंदूर में तेल होता है, रोली से होता है चूल्हा पूजन, सिंदूर से ज्यादा तो रोज बनता है। सिंदूर से बना दो, सिंदूर के लिए फिर घी या तेल दो। अरे तो वो छूटे तो उसको बना दो। मम्मी फूल रखा है ना वहीं पे, सो बनेगा। अरे दे दो थोड़ा सा, ये तो साफ घी या तेल दो उससे बने। वो साफ घी भी लेते हैं ना भगवान जी का, बना लो रो फिर रोली से। थर्ड, अरे दोनों को मिक्स नहीं करना था यार, इतना ज्यादा पानी डाल दियो कि उसमें कहाँ रोली पता चलेगी। हाँ आप गिरा दो, कितना उसमें रोली डालो। चलो गैस कैसे बंद है कि नहीं, मैंने चेक किया कि सिलेंडर से जो कनेक्शन है वो बंद है कि नहीं बता दो उसको। तो आज मैं पूजा कर रही हूँ, बेटे जी से करवा रही हूँ, और वो आपको समझ सकते हैं। उधर से दिखा, हाँ बनेगा, हम लोग पूजा बनेगा कहाँ, यही पे बनेगा बीचों बीच। करेंगे तो भैया रंगोली बनाएगा ना दिवाली पे, ना भैया अब रोली से कर दो। ये तो पानी ज्यादा डाल दी उसमें, बता वहां से दिखाओ। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, वहीं पे रख दो, दिखेगा नहीं मुंडी आएगी भैया की। अरे नहीं आएगी, हटो ले जाओ उसको, बंद कह करो भी खोलने में दिक्कत होगी। तो बेटे जी बना रहे हैं, फिर अक्षत छिड़को छिड़को, और टीका अपने सर पे लगा लो, टीका सर पे लगा लो, और गणेश जी से प्रार्थना करो। दो बगल में भी तो लाइन बनेगी, छोटी छोटी दो लाइन, दो लाइन छोटी छोटी बना, छोटी छोटी यार, एक एक नहीं दो दो दो। तो बेटे जी पूजा कर रहे हैं, फूल नहीं रहे हैं हमारे, क्या दिया दो फूल लेके आ रहे हैं, प्रसाद। बारिश हो रही है देख रहे हैं आप लोगों को, बच्चा रही होने के लिए बारिश हो रही, बहुत अच्छी मतलब जैसे चमक वमक रहे हैं।
हाँ वो तो गिरेगा। कपड़े जाओ तो हटाओ, कपड़े में भी बारिश हो रही है, कपड़े जाओ तो हटाओ, जाने दो कपड़े नहीं भीगेंगे। बर्तन है, बर्तन वो हटा के ऐसे मिठाई ये है, ये लीजिए मिठाई। अरे उसे थाली में रख देते, एक थाली तुम अलग कर दो। और कह दो भगवान जी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दीजिए, प्रदान करिए, एकता और अच्छा अच्छा पकवान मिले। वो नहीं मिलेगा, बीमार हो गया वो, देख रहे हो रोज मैं मरती हूँ, आप लोग देखते हो ना, और मैं बीमार हो जाऊंगी। तो चलिए आ गई है मिठाई खाने की बारी, तो पहले मैं जय कर लेती हूँ। पहले लड्डू क्यों भगवान जी को खिला दे, तो कैसा लगा? और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने अपने किचन का जो है किचन का जो लुक है वो मैंने चेंज कर दिया है, और उसकी वजह से मतलब मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि सिंक नहीं लगा है यहाँ पे, और जब मैं वीडियो शूट करती थी जब मैं सिंक को देखती थी तो मुझे बहुत ही गंदा लगता था। आप कैसे सिंक लगेगा कैसे नहीं लगेगा, जो गंदा था वो वैसे ही लगेगा, कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। और चूल्हा मेरा पुराना है क्योंकि मैं यहाँ पर जो है स्लैब नया बनवाई हूँ, तो जाहिर से बात है कि मीठे से स्टार्ट करो, क्योंकि आज ये चूल्हा जो है हट गया था, जब ये बन रहा था तो चूल्हा हट गया था और आज पूरे दिन हम यहाँ पे लगे रहे, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा नहीं दिक्कत हुई, मिस्त्री लोग को चाय नहीं लिए, और दूसरा क्या कि जब चूल्हा ही नहीं था तो चाय कैसे देते। और अभी फाइनली जाके लगा, और सबसे पहले ना कि हम आपको बता दें इस साइड में मिस्त्री जो है सुराख किए थे, और सुराख तो बहुत अच्छा किए थे लेकिन सफाई नहीं किए थे, ड्रिल मशीन से उसको पाइप को जो लगाए थे वो सही से कटिंग नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पे हम सुराख व्हाइट सीमेंट भरनी चाहिए, जो जल्दी सूखेगी तुम उसको भरी हो, काला काला दिख वो करेगा नहीं, हम व्हाइट लगवा देंगे ना। ये तो मैंने सिंक पे हाथ लगाई थी, तो ये ले लो प्रसाद खाओ। आप चढ़ा रहे देते हो 5-7 में, तुम चढ़ा रहे देते हो जब किचन के वैसे अंदर, तब हटाओ तो तुरंत हटा लियो, तब वो अब हटा लियो फिर कब रख दियो, ये हो पागल है ना जा भाई साहब, हटाओ चढ़ाओ अब वो चढ़ा दिए फिर देंगे ना सबको प्रसाद। हाँ तो उठाओ यार जल्दी, आज मैं लड्डू खाने का मन कर रहा है। पर
श्रेया का लड्डू खाने का मन कर रहा है और मिस्त्री लोग को भी लड्डू कल देना है, तो यही कारण था जो कि मैंने आज पूजा करवाई। और वैसे भी मतलब मैं खुश तो बहुत हूँ, बट मैं पूजा नहीं कर पाई इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है। लेकिन घर का बेटा ही है, बिटिया करे या बेटा करे या हस्बैंड करे, बात एक ही होती है। तो हम चल रहे हैं भगवान जी को भोग लगाने, मतलब थोड़ा सा भोग लगा दे कान्हा जी को और फिर बेटे जी को दे दे। और दूसरा क्या है सर, जो मेरा मेहंदी कलर का जो था वो मतलब उसकी वजह से जो अंधेरा अंधेरा आता था वो भी हट गया। और दूसरा ये लाइट मतलब एकदम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाइट रंग का जो है टाइल्स, वाइट रंग का ये मार्बल, तो बहुत ही खिल रहा है, मुझे बहुत खिल अच्छा लग रहा है। बेटे जी वहाँ कमरे में गए हैं, तो हम पहले भगवान जी के लिए निकाल लेते हैं, फिर बच्चों को दे देते हैं। आप लोग भी खाइए। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।